भाई पांच बॉल चार छक्के, पांच बॉल चार छक्के और एक ही ओवर में चार छक्के मारा है बाबर आजम ने। जियो बाबर आजम, जियो। ना विराट, ना सचिन, ना धोनी, ना यूवी, ना सहवाग, ना डॉन ब्रैडमैन, एक ही प्लेयर आया दुनिया में जिसका नाम है बाबर। आसिफ अली को ढूंढो, कहां गया आसिफ अली? कह रहा था कि बाबर आजम नहीं मार सकता है, तो ये बाबर आजम के 75 रन से मैच में हुई शर्मनाक हार के बाद अपनी इज्जत आबरू को बचाया और इंग्लैंड के सामने होने वाली T20 सीरीज के एक्साइटमेंट को बरकरार। आज बेंजामिन व्हाइट के ओवर में चार छक्के लगा दिए और उस ओवर के अंदर बाय द वे बाबर आजम ने 25 रन लपेट दिए। बोला करते थे कि बाबर आजम छक्का नहीं मार सकते, ये इनिंग्स उन लोगों के लिए है, उन लोगों के लिए। T20 वर्ल्ड कप आने वाला है तो पाकिस्तान के एक एक मैच पर हमारी नजर है कि पाकिस्तान की टीम कैसा करेगी। इस मैच में पाकिस्तान पाकिस्तान की तरह खेली, वो पाकिस्तान जिसे आप देखना चाहते हैं कि क्रिकेट कैसे खेला जाता है T20 फॉर्मेट में, क्योंकि पाकिस्तान की T20 टीम बेहतर। बाबर आजम को अचानक से चैलेंज कर दिया, देख बाबर आजम एक ओवर में 3 लगातार छक्के मार दो तो मैं अपना चैनल बंद कर दूंगा। बॉब्जी द किंग बाबर आजम की फाइनली परफॉर्मेंस आ गई, स्ट्राइक रेट के इश्यू सॉल्व हो गए और बाबर जो पाकिस्तान में हीरो कहलाते हैं फाइनली उनकी एक ओवर में 4 छक्के। भाई कहां है बासित अली? ये बासित अली कह रहा था बाबर आजम एक ओवर में 4 छक्के नहीं मार सकता, ढूंढ के लाओ। ये बड़ा भौंक रहा था बासित अली। भाई कहां है बासित अली? देख ले बाबर आजम ने 4 छक्के इस मैच में। रिजवान और बाबर ने नॉस्टैल्जिया के दिनों को याद कराया, ये बताया कि यार अभी भी T20 में हम बस। उन्होंने 14th ओवर में उन्होंने पहले 3 लगातार छक्के लगाए, फिर उसके बाद एक और छक्का लगाया, 4 छक्के लगाए एक ओवर में। और मुझे लगता है कि तकाजा ये है, आपने चैलेंज किया, उन्होंने एक्सेप्ट किया, 3 छक्के लगाए। और भैया अपना बुलडोजर भाई, अपना मेरे जैसा भाई है जो ये आजम खान, अपना छोटा भाई, उसने भी 18 रन की धुआंधार पारी खेली है। अब देखो T20 वर्ल्ड कप आने वाला है तो पाकिस्तान के एक एक मैच पर हमारी नजरें हैं कि पाकिस्तान की टीम कैसे करेगी। एक ओवर में 4 छक्के, भाई कहां है बासित अली? ये बासित अली कह रहा था बाबर आजम एक ओवर में 4 छक्के नहीं मार सकता, ढूंढ के लाओ। ये बड़ा भौंक रहा था बासित अली। भाई कहां है बासित अली? देख ले बाबर आजम ने 4 छक्के मारे या नहीं मारे, भाई ढूंढ के लेकर आओ इसे बासित अली को। ये बड़ा कह रहा था कि बाबर आजम 4 छक्के नहीं मार सकता है, भाई तेरे आज देख ले बासित अली 4 छक्के मारे, ये टेस्ट खेलती है ये बासित अली। यही तो कह रहा था ना कि जो टेस्ट नेशन टीम है उनके अगेंस्ट छक्के नहीं मार सकता, तो देख ले भाई एक ओवर में 4 छक्के लाओ। भाई ढूंढो बासित अली को कहां है भाई, ये शोएब जट भड़ुआ, ये बासित अली को ढूंढो कहां है, कहां नहीं है। पाकिस्तान और आयरलैंड के दरमियान तीसरे T20 मैच के अंदर बाबर आजम की फॉर्म बहुत चली, बिल्कुल दूसरे में भी चली, लेकिन स्पेशली थर्ड मैच के अंदर जिस तरह T20 फॉर्मेट में एक प्लेयर खेलने का क्या है वैसे ही नहीं खेली बाबर आजम ने। बैक टू बैक एक ओवर में 4 छक्के लगाना बहुत बड़ी कामयाबी बाबर आजम के लिए। बाबर आजम ने अपने हेटर्स को जवाब दे दिया है जो बाबर आजम पर तनकीद करते थे कि वो छक्का या चौका नहीं लगा सकते, वो फास्ट क्रिकेट नहीं खेल सकते, जिसके बाद विक्रांत गुप्ता ने कह दिया है कि बाबर आजम जो थे पहले भी बड़े बड़े इवेंट से पहले अपनी फॉर्म गुड लक कर लेते हैं और वही हुआ। आगे T20 वर्ल्ड कप आ रहा है और T20 वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले बाबर आजम ने खतरे घंटी बजा दिए तमाम उन बॉलर्स के लिए जो बाबर आजम को आसान खिलाड़ी समझते थे और अपना आसान हदफ समझते थे। मजीद विक्रांत गुप्ता कहने के बाबर आजम ने 4 छक्के लगाए बैक टू बैक, उनसे किसी भी सूरत ये बात वाजे हो जाती है कि बाबर आजम मुकम्मल तौर पर तैयार है और बाबर आजम T20 वर्ल्ड कप के अंदर पूरी दुनिया को सरप्राइज करेंगे, ना सिर्फ पूरी दुनिया को बल्कि स्पेशली अपने उन हेटर्स को जो बाबर आजम पर तनकीद करते थे कि वो घंटा प्लेयर है, स्लो खेलती है, स्लो नहीं खेलते, वो T20 के प्लेयर नहीं है, बिलखसूस बाबर आजम उनको जवाब दे दिया कि वो कल के मैच में 40 बॉल्स पर 75 रन की फास्टेस्ट इनिंग खेलना और अगर बाबर आजम आउट ना होते तो बाबर आजम तकरीबन 50 बॉल्स पर सेंचुरी कर लेते जो कि T20 फॉर्मेट के अंदर बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर टीम के अंदर एक खिलाड़ी इतनी बॉल पर सेंचुरी स्कोर कर लेता है 9 ओवर के अंदर 50 बॉल पर सेंचुरी स्कोर कर लेता है तो टीम का टोटल बासानी 200 प्लस हो जाता है। कल के मैच में जैसी पार्टी चल गया बाबर आजम मोहम्मद रिजवान की, क्योंकि मोहम्मद रिजवान वो खिलाड़ी है जो T20 सीरीज के तीनों फॉर्मेट में तीनों मैच में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी, पहले दूसरे तीसरे मैच में हर मैच के अंदर बैक टू बैक क्लासिक बैटिंग पिछले से अच्छी बैटिंग कर रहे हैं हर मैच के अंदर। और अगर बाबर आजम मोहम्मद रिजवान की पार्टनरशिप चलती है T20 वर्ल्ड कप के अंदर, चाहे वो किसी भी टीम के खिलाफ हो, चाहे वो टीम बड़ी हो या छोटी, किसी भी टीम के खिलाफ अगर इन दो प्लेयर्स की पार्टनरशिप चलती है तो ये बहुत बड़े वर्ल्ड कप बनाएगी, ना सिर्फ वर्ल्ड कप बनाएगी बल्कि अपने ओपोनेंट हरीफ को चाहे वो कोई भी टीम हो उसको बहुत मुश्किल में डाल देगी।
और इस मैच में दो छक्के मारे, पिछले मैच में छक्के छक्का मारा था, और इसके बाद ये बता दिया है कि एक फिनिशर के तौर पर वो कमाल कर सकते हैं जिसकी उम्मीद पाकिस्तान उनसे करता है। पाकिस्तान ने आयरलैंड को 6 विकेट से 30-20 मैच में हराया। डुबलिन में मैच था, जैसा कि हमने बताया 2021 के बाद ये पहली सीरीज थी जो जीती पाकिस्तान ने। इस मैच के जीत के जिम्मेदार मेरे हिसाब से तीन लोग थे, जिसमें से एक नाम शाहीन शाफरीदी का, क्या कमाल की गेंदबाजी की है, मतलब जिस तरह से उन्हें ह्यूमिलेट किया गया था, चढ़ाया गया था, मजाक उड़ाया गया था, कैसा दिया, आ गया ना स्वाद भाई, पांच बॉल चार छक्के और एक ही ओवर में 4 छक्के मारा है बाबर आजम ने। जियो बाबर आजम, जियो, मजा आ गया भाई, दिल खुश करके रख दिया आज बंदे ने, दिल खुश करके रख दिया यार, सच में बता रहा हूं, ये तो ट्रेलर है, अभी पूरी पिक्चर बाकी है, कब तो T20 विश्व कप में पूरी की पूरी पिक्चर सबको देखने को मिलेगी। और जो लोग बोला करते थे कि बाबर आजम छक्का नहीं मार सकते, ये इनिंग्स उन लोगों के लिए है। मैं थोड़ा वेट कर रहा था मैच फिनिश होने का, और आज किंग बाबर आजम ने वो करके दिखाया है जिसकी वजह से बाबर आजम से नफरत करने वाले, बाबर आजम से लिटरली बता रहा हूँ, जो बाबर आजम को बुरा भला बोलते थे ना, आज उनकी जम के लगी है भैया, तालियों, सल्यूट है यार। बाबर पे कभी शक नहीं करना। मैंने बार बार बोला है, बर्नोल मोमेंट एक बार फिर से वापस आ गया है उन लोगों के लिए जो किंग बाबर आजम पे, लिटरली किंग बाबर आजम पे डाउट करते थे। तो बर्नोल जाइए, खाल लगाइए अपने जहां पे लगाना है, क्योंकि जलने वालों की तो जलती रहेगी और बाबर आजम की मर्जी यूं ही चलती रहेगी। क्या बोला, जलने वालों की यूं ही चलती रहेगी, बाबर आजम की यूं ही चलती रहेगी। लंबे समय के बाद आज किंग बाबर आजम का छक्के चौके हम लोगों ने देखा, दूसरा रूप देखा है, जिस रूप के बारे में अक्सर मैं बोला करता था कि देख बाबर ये करेगा, देख बाबर वो करेगा। अच्छा, बहुत सारे लोग आज बाबर आजम के फ्लॉप होने का इंतजार कर रहे थे, उन बासित अली ने चैलेंज दिया था, तो भैया अपना यूट्यूब चैनल जाके बंद कर लो, क्योंकि बाबर आजम ने लगातार 3 छक्के नहीं मारे बल्कि एक ही ओवर में 4 छक्के मारे हैं, ड्रीम फॉर समवन। कैसा दिया जरा बताना भाई, कैसा दिया बाबर ने आज, कैसा दिया मुझे जरा बताना भाई। ये जो लोग होते हैं ना, जो एक इनिंग दो इनिंग पे अगर बाबर के बल्ले से रन्स नहीं आए ना, तो डॉट करने लगते हैं कि भाई बाबर ने ऐसा कर दिया, बाबर ने वैसा कर दिया, बाबर के रहते तो ऐसा नहीं हो सकता, वैसा नहीं हो सकता। तो भैया जाइए मेडिकल में, जाइए आप वहां से बर्नोल खरीदिए और अपने स्थान विशेष पे जरूर लगाइएगा, क्योंकि बाबर आजम, जैसा कि मैंने बोला, बाबर आजम का जिस दिन हट गया ना, उस दिन बॉलर का हटा के रख देता है। और वो लोग जो फिल्टर लगा के बोला करते थे कि भैया पाकिस्तान की टीम ने तो 2021 से कोई सीरीज ही नहीं जीती है, तो आखिर में सीरीज जीत लिया ना भाई, और बता और क्या कर सकता है बाबर भाई।